आज रूबी आपको दिखाएंगे वो कीमा आलू कैसे बनाती है। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, नमस्ते, सस्रीकाल। आज आपको बताऊंगी कीमा आलू किस तरह बनाते हैं। मैंने 1 kg कीमा लिया है और 3 आलू इस तरह के लिए हैं, बड़े वाले और 3 टमाटर लिए मीडियम, जिसके स्किन आपने छिल रही हो। मैंने स्किन ऑलरेडी ऑफ कर दी है। और ये मैंने इतने अदरक का पीस लिया है और ये 2 किस्म की सब्ज मिर्च, एक ये वाली मैंने ली है और ये 4 to 5 लिए नॉर्मल, 2 मीडियम मैंने प्याज लिए हैं और 1 पूरा साबित मैंने गार्लिक का लिया है और धनिया लिया है, सब्ज धनिया। उसके बाद हम लोगों ने लिया है जी स्पाइसेस। उसके बाद मैंने जीरा पीसा हुआ लिया है, कितना है, 1 टेबल स्पून ओके, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टी स्पून हल्दी, नमक हसबे जायका और मैंने साबित जीरा 1 टी स्पून लिया हुआ है और 1 टेबल स्पून रेड चिली ली है। अगर आपके मुताबिक अगर आपको ज़्यादा हॉट लगती तो आप लेस कर लें, अपने मुताबिक डालें। और तेल लिया है, आप शुरुआत करते हैं। ओके, हम लोग क्या करेंगे, प्याज को लेके दरमियाने से और इसके दो पीस बनाएंगे और इसको पतले पतले स्लाइस करेंगे और इसी तरह हम सारे करेंगे और ऑयल में डाल देंगे जी। अब हम आलू का करेंगे। ये मोटे मोटे डालती हैं, कैसे डालती हैं आप? अब डिपेंड करता है आपको किस तरह चाहिए। पतले, मुझे तो पतले जी जी, ये मशीनी कीमा है पतला वाला, इसके लिए मैंने इतने आलू का साइज रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसी तरह आप सारे काट लें, जो हमने आलू काटे हैं उसके ऊपर मैंने नमक डाला है, 1 टेबल स्पून ना, टीस्पून टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर हम इसको इस तरह हिलाएंगे और ये अभी रख देंगे जब तक हम कीमा तैयार करेंगे, फिर धो के इसके अंदर डाल देंगे। ये अदरक है, हम लोगों ने इतने पीस लेके हम लोगों ने पहले ग्राइंड करने हैं, पीसने हैं और टमाटर को पीसना है हम लोगों ने, इसकी पेस्ट बनानी है। और क्या करना है, पहले सबसे पहले हमने गार्लिक को पेस्ट करके उधर डाल के उसके बाद टमाटर, सब्ज मिर्ची और अदरक को डाल के पीस लेना है, फिर उसके अंदर पेस्ट डालनी है। ये हम लोगों ने और ये जो जो ये वाली है इसके ब्रिक स्लाइस करके और वो आखिर में हम डालेंगे जी। आपने 250 ml ऑयल डालना है, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर लीजिए, 200 ml कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अनियन को डाल देंगे और इसको एंटल ब्राउन होने तक रखेंगे जी। आपने ये देख लिया है, ये काफ़ी ब्राउन हो रहे हैं, गोल्डन ब्राउन। हाँ जी, गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाई थी गार्लिक की, ये वाली ये इसके अंदर डाल देंगे, इसमें पानी भी होता है। अब ये 1-2 मिनट लगाएगा ब्राउन होने में जी। आप देख सकते हैं अभी ब्राउन नहीं हुआ, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे ये कुक करने में जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर उसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे जैसे देखेंगे जी। अब आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कीमा ऐड करेंगे। कीमा आपने ऐड कर दिया और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, जो जीरा पीसा हुआ और मोटा पीसा हुआ जीरा हमने डालना और नमक हम लोगों ने डालना है। अभी ये चीज़ें हमने हल्दी, रेड चिली और सूखा धनिया नहीं डालना, अभी नहीं डालना जी। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। कितनी देर को भूनना पड़ता है? डिपेंड करता है कि कभी 4 to 5 मिनट लग जाता है। वाह सर। हाँ जी, ज़्यादा नहीं मैंने भूनना, बस इसका जो कीमे का कलर है इसको थोड़ा सा बदल देना, थोड़ा सा ब्राउन करना, ज़्यादा नहीं करना।
अब हम क्या करेंगे, जो रेड चिली, हल्दी और सूखा धनिया है अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। सब कुछ ऐड कर देंगे, हल्दी, रेड चिली एंड सूखा धनिया, ठीक। और जो हम लोगों ने ग्रीन मिर्चे और अदरक की हुई थी वो भी ऐड करने लगे। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बनाएंगे और इसको थोड़ा सा भून के इसके अंदर फिर टमाटर पेस्ट डालते हैं। लेकिन आप पेस्ट नहीं इस्तेमाल करते हो, आप ऐसे उसको चॉपर में डाल के उनको पानी के साथ। और शुरू से मैंने दिखाया आप सबको कि मैंने तीन टमाटर लिए हैं और फिर मिनी चॉपर में मैंने चॉप कर लिए हैं और उसकी थोड़ी सी पेस्ट बना ली है, क्योंकि मैंने टमाटर के ऊपर से सारा उसकी स्किन उतार ली है। तो फिर स्किन नहीं अंदर आता उसमें? जी जी, बच्चे पसंद नहीं करते, जो आजकल के बच्चे हैं वो स्किन बिल्कुल नहीं पसंद करते। आप देख सकते हैं अब ये इसका ये कलर आया हुआ, ये अभी हमने 2 से 3 मिनट रखना है, फिर इसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरह करते हैं, अब हम जो टमाटर पेस्ट बनाई थी ये आप देख सकते हैं, अब ये ऐड कर देंगे और ये अभी थोड़े से पकेगी और उसके बाद हम स्लेट पे आलू डाल देंगे और जो पानी हुआ उसी में आलू गल जाएंगे और जी बिल्कुल जज़ब हो जाएंगे, और उसके बाद जब गल जाएंगे उसी पानी में फिर हम भूनेंगे। अब ये देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी नीचे हो चुका है और अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे और आलू डाल के फिर हम उसका कवर कर देंगे, तो जिस तरह आलू गल जाएंगे और डिपेंड करता है आलू कितनी देर गलते हैं। जो नमक डाला था आलू के ऊपर उसको जी जी मैंने धो दिए धो के फिर डालने होते हैं। ये ना कि नमक के साथ डालेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नमक हो जाएगा तो फिर कोई खाएगा नहीं और फिर लिखेंगे आपने बताया नहीं था, इसलिए आपने धोने हैं आलू को, जो मैंने नमक डाला है उसको धो के फिर आपने। कितना अच्छा कसूर शेफ है कि आपको ये चीजें साथ-साथ। थैंक यू वेरी मच आपको याद लाने का। अच्छा जी, अब क्या करना है, आप देखें छोटी मेमोरी होती जा रही है इंसानों की। हाँ जी हाँ, सो अब क्या करना है, डालने जी जी अभी आलू डाल देंगे। आलू डाल कवर करके अभी रख देंगे और जिस तरह मैं बना रही हूँ आप उसी तरह बनाएं, कोई कीमे में स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। आप सोचते होंगे कि इसने अभी भूना भी नहीं, कीमा कुछ किया नहीं है, तो हर चीज़ ऐड करती जा रही है। आप बनाएंगे फिर आप मुझे वापस फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। जब ये खाना आप खुद बनाएंगे ना तो आपको जब आप खाएंगे आपको जायके में पता चल जाएगा कि जो जायका है ना उसका आपको कोई हमक जो स्मेल भी है कुछ भी नहीं आएगी। तो ये आप जब बनाएंगे इस स्टाइल के रिवी रेसिपी की तरह फिर आपको समझ आएगी कि ये क्या स्टोरी है। जी अब क्या करना है, आपने इसको हिलाना है थोड़ी देर के बाद। हिलाते रहते हैं ना क्योंकि वो नीचे लगता नहीं फिर से। जी जी हाँ, ये कच्ची हांडी है ना तो हांडी में लग जाता है। हाँ ये तो हमने बात की नहीं कि कच्ची हांडी में बनाई जा रही है। एक तो है ना कि अगर आपके पास दूसरा बर्तन है जो पहले हम बनाते थे तो उसमें भी आपने हिलाते रहना है। अब इसकी जो आंच है ना गैस की वो फुल भी नहीं और मीडियम मैंने अभी रखी है, मीडियम रखी है। ओके, तो और अभी ये आलू बिल्कुल नहीं गला, अब इसको अभी देके थोड़ी आंच पे पकाना है। जो वो टमाटर का पानी था जो मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, ओके, जो टमाटर वाला पानी था उसी में मैंने सारा कुछ किया है। ओके, ये आप दोबारा देखिए काफी ऑयल निकल रहा है, तो ये निशानी है कि ऑयल ऊपर तक आ जाता है। हाँ जी, और इसका पानी खत्म होते जा रहा है। अब आप देखें कि आलू गल गए हैं या नहीं गल गए, अगर गल गए हैं फिर आप भूनी देंगे, इसको जब भूनी देंगे आपको बताएंगे किस तरह देंगे। और अब मैं देखती हूँ आलू ले ली गला हुआ, अभी 2 मिनट और रखूँगी कि मेरे घर वाले ज़्यादा सॉफ्ट कर सॉफ्ट। हाँ जी, आप सब सॉफ्ट तो साफ करते हैं तो फिर मुझे उसके मुताबिक बनाना है। okay. जी आप देख सकते हैं इसका ऑयल काफी निकला है, ये ऑटोमेटिक उसमें भी भून चुकी है। ठीक, अभी बस एक और
और दो मिनट भूनेंगे हम इसको फुल आंच पे। और उसके बाद जी अब मैंने धनिया सब्ज़ धनिया ऐड की है इसके अंदर, और मैं तरीका बताऊंगी आपको कि फ्रीज किस तरह करते हैं। अब ये देख सकते हैं आपका ये भून गया। इसमें मैं चाहे सिल्वर वाले डेचके में बनाऊं चाहे इसमें बनाऊं, तो अगर आप इसमें मिट्टी की हांडी में बनाते हैं तो इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक उसमें खुद खुद क्योंकि हाफ एन आवर ये गर्म रहती है तो उसमें ऑलरेडी हो जाती है। अगर आप सिल्वर के बर्तन में बना रहे हैं डेचके में या स्टील के जिसमें बनाना चाहते हैं तो जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए तो फिर आपने 4 to 5 मिनट आपने भूनना है और फिर धनिया डाल के बंद कर देना है। जी ये आपका कीमा तैयार है। जी ये कीमा तैयार है और जो मैंने ये प्याज और टमाटर चीज़ों को मिक्स कर बनाए हैं ये नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, आप वो बनाएं और कीमे के साथ खाएं और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जैसे देख सकते हैं हमारे और भी आने वाली हैं वीडियोज़ इसके ऊपर। And if you do make this, please do leave a comment and tell us how it came out. Thanks for watching and have a great day.